News for India. कल से नया साल शुरू हो रहा है, इसको लेकर लोगों में खाली खासा उत्साह उमंग रहता है और ख़ास तौर पे एक सुरक्षा की सुरक्षा दृष्टिकोण से भी लोग भयभीत रहते हैं। तो सुरक्षा दृष्टिकोण से क्या सब व्यवस्था की गई है लोगों के लिए? नए साल के उपलक्ष्य में जो हमने पहले मीटिंग की है नए स्तर पर और सभी लोगों को इंस्ट्रक्ट किया गया कि पेट्रोलिंग को इंटेंसिफाई किया जाएगा, अलग अलग जगह स्पॉट्स को आइडेंटिफाई करके वहाँ पर स्टैटिक डिप्लॉयमेंट भी किया गया है। तीन दिन पहले से ही हम लोग विशेष अभियान चला रहे हैं शराब के विरुद्ध और होटल्स में और तमाम जगह ऐसे जहाँ के संदिग्ध स्थान पर आएगा वहाँ पर चेकिंग चल रहा है और किसी को भयभीत होने की आवश्यकता नहीं है और पुख्ता इंतजाम किए हैं। कितने पदाधिकारियों को इसमें लगाया गया है? जो भी डिप्लॉयमेंट थानों में है पूरी की पूरी डिप्लॉयमेंट किया गया है। इसके अतिरिक्त लाइन से भी अलग से फोर्स दिया गया है जो अलग से डेडिकेटेड जगह है, जैसे कि हमारे यहाँ दीदारगंज टोल प्लाजा है वहाँ पर एक्स्ट्रा फोर्सेस दिए हुए हैं, फतुहा आरोबी के पास, तो ऐसे तमाम जगह आइडेंटिफाई करके वहाँ पर फोर्स दिए। ऐसा कोई नंबर इशू किया गया अगर लोगों को परेशानी हो तो वो आपसे या पुलिस फोर्स से तुरंत संपर्क कर सके? ऐसा डेडिकेटेड कोई अलग सा नंबर नहीं है, थानों का नंबर है, SDPO का नंबर है और हमारा नंबर भी पब्लिक लेवल पब्लिक प्लेटफॉर्म पर उपलब्ध, कोई भी किसी कोई समस्या हो तो उन नंबरों पर डायल कर सकते हैं। आपको ऐसा नंबर इशू कर सकते हैं अपने तरफ से अगर लोगों को परेशानी हो तो लोग आपसे संपर्क करें? नहीं, हमारा नंबर तो पब्लिक फॉरम पर उपलब्ध ही है, लोग जब चाहे कॉल कर सकते हैं, कोई समस्या नहीं।